आयोजित हो रहा है और उस सिलसिले में मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। और यहाँ पर तेजस्वी भाई इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है, आदरणीय लालू जी से मेरे नेता मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने के लिए कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आएँ। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर आए। नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात होने वाली है, क्या उनको भी आप इनविटेशन देंगे? भाई मैंने समय तो लिखवाया हुआ है पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है, समस्या मेरे साथ यही आती है। मुझे तो खास तौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया हुआ मैंने जरूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले जरूर वो मुझे समय देंगे मुलाकात करने का। भाई एक सेकंड, भाई आप भी बोल लीजिए। सबसे पहले सदानंद सिंह जी का आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, इसलिए हम अपने पार्टी के तरफ से, अपने पिता के तरफ से संवेदना उनके परिजनों के प्रति प्रकट करते हैं। सदानंद सिंह बाबू जी का हम लोगों का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, हम तो बचपन से देखते रहे हैं। हम लोगों की जब सरकार थी तब भी स्पीकर वो रहे और अभी साथ में काम करने का भी मौका मिला, तो उनके अब हमारे बीच नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी को तो क्षति हुई है और हम लोगों को भी निजी रूप से इस खबर सुन करके मरमाहत है। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम सब लोगों के अभिभावक, हम लोगों के नेता रहे हैं रामविलास पासवान जी और उनकी पहली बरखी है, तो इस अवसर पर चिराग पासवान जी मिलने हम लोगों से आए हैं और एक पुराना रिश्ता रहा जिसका जिक्र इन्होंने किया ही है। तो हम लोग तो घर के लोग हैं और आज उनको कितना भी याद किया जाए पासवान जी को, क्योंकि हम जब पहली राजनीति में हम लोग आए थे 2010 का चुनाव था तो साथ में ही हम लोगों ने काफ़ी जो है कैंपेन उनसे सीखने का काफ़ी हम लोगों को मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि बरखी जो है मनाई जाएगी, इस अवसर पर जो है न्योता हम लोगों को देने आए हैं चिराग जी और जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्राध्यक्ष जी लालू जी से भी इनकी मुलाकात होगी। अब लालू जी के सेहत में भी सुधार हो रहा है और सेहत ठीक रहा तो वो भी बरखी में जो है सम्मिलित होंगे, क्योंकि उस दौरान शामिल नहीं हो पाए क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे थे लालू जी जेल में भी थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन काफ़ी खबर सुन करके उस समय से ही और महत रहे, पुराने साथी रहे लोग काम किए हुए। तो आज इस अवसर पर हम लोग जो हैं मिले हैं और बाकी आप लोग का जो सवाल है तो वो तो रहता ही है, लेकिन ऐसे अवसर पर अगर कोई समय मांगता है तो समय मिलना चाहिए, कोई इसमें हानि वाली बात नहीं है। लालू जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि उनकी इच्छा है कि चिराग और तेजस्वी साथ आए, तो क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं क्या? आपने भी कहा था कि डिसाइड तो चिराग पासवान को करना है, आगे चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे? अरे भाई हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया, अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते और जाहिर से बात है आगे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे दोनों। आप देखिए अब हम पे बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो लालू जी कह दिए जब जब इच्छाएं जाहिर कर दिए तो उसके बाद मेरा कहने का कोई मतलब नहीं। चिराग राजनीति में चिराग जी दोनों के पीछे एक साथ आए थे, अब गेंद आपके पाले में है चिराग जी, क्या आप? फिलहाल मैं एक बार स्पष्ट कर दूं
आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। जैसा इन्होंने भी कहा, आज एक व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम, उसके लिए मैं इनको आमंत्रित करने आया हूँ। आगे के जो राजनीतिक जो सवाल है, मुझे लगता है उसके लिए ये उचित समय नहीं है, जगह नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग भविष्य में करेंगे, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको आमंत्रित। एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, चिराग जी।